गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस ऑफ फोर्थ क्लास रिवीजन वर्क चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 12 तक कर लिया था। चैप्टर नेम है सेंस ऑर्गेन्स विंडो टू द वर्ल्ड। ओके, हमने सेंस ऑफ विजन तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे सेंस ऑफ हियरिंग। ओके, ईयर्स आर द सेंस ऑर्गेन्स ऑफ हियरिंग डिफरेंट साउंड्स। आपको पता है जो भी हमारे आसपास अलग अलग प्रकार की साउंड्स आती है तो उसको हियरिंग करने का काम कौन करता है? हमारे ईयर्स। ओके, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्लीसेंट एंड अनप्लीसेंट साउंड्स, और वो हमारी हमें प्लीसेंट और अनप्लीसेंट जो साउंड होती है उसको समझने में जो ईयर है वो हमारी हेल्प करता है। अ पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑल्सो। जो हमारा ईयर है वो हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन किए हुए रखता है। ओके, we must not use sharp object to clean our ears. Ears form us of tensors like car horns while crossing the road and barking of dogs. The messages of the sound is sent to the brain. We get instructions from the brain how to react to different sounds. देखिए, और हमारे लिए हमें ना बच्चों किसी भी शार्प चीज़ से, किसी भी नुकीली चीज़ से, किसी भी धार वाली चीज़ों से हम अपने ईयर को क्लीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिकॉज बेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको आप इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ओके, और देखिए इस प्रकार के जो क्या कहते हैं साउंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे ईयर्स के लिए डेंजर हो सकते हैं, जैसे कार की हॉर्न हो गई जब आप रोड क्रॉस करते हो, डॉग ऑफ बार्किंग ऑफ डॉग, डॉग का जो भौंकना होता है। ओके स्टूडेंट्स, और जो भी साउंड हमारे जो ईयर्स कैच करता है, सुनता है, वो हमारे ब्रेन को भेजता है। अब देखो जो अच्छी साउंड होगी आप उस पर अच्छा रिएक्ट करते हो, जैसे ये म्यूजिक बज रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कार के हॉर्न कोई बार 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 दे रहा है तो आप इरिटेट हो जाते हो, तो आपका रिएक्ट उस साउंड पर बहुत अजीब सा होता है। तो इस प्रकार के जो साउंड्स है वो हमारा कान कैच करता है, कलेक्ट करता है और हमारे ब्रेन को भेजता है, फिर ब्रेन उसका मैसेज जो हमारे ईयर को भेजता है, फिर हमें भेजता है, जिससे कि हम रिएक्ट कर पाते हैं। ओके, सेंस ऑफ स्मेल। नोज इज द ऑर्गेन ऑफ डिटेक्टिंग वेरियस स्मेल्स। द ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। द स्मेल एंटर्स द नोज थ्रू दिस नोस्ट्रिल्स। द मैसेज इज सेंट टू द ब्रेन बाय द नोज एंड द ब्रेन टेल अस इफ इट इज अ गुड और फॉल स्मेल। देखिए हमारे जो स्मेल स्मेल को सूंघने की जो क्षमता होती है वो हम कहाँ से सूंघते हैं बच्चों? नाक से। और नाक में जो टू ओपन होल होता है आगे की साइड, तो वो हमारा क्या होता है? नोस्ट्रिल होता है। नोस्ट्रिल से ही किसी भी, चाहे वो गुड या फॉल स्मेल है, वो हमारे वहाँ से जाती है और हमारे ब्रेन तक जाती है, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये गुड स्मेल है या फॉल स्मेल है, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। ओके, सेंस ऑफ टेस्ट। टंग इज द ऑर्गेन ऑफ टेस्ट। हमारे टेस्ट का जो ऑर्गेन है वो कौन सा है? हम टेस्ट किससे करते हैं? कौन से ऑर्गेन से करते हैं? टंग से। द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग हेल्प अस टू डिफरेंट बिटवीन स्वीट, सॉल्टी, बीटर और सॉर टेस्ट। टंग हेल्प अस टू स्पीक। इट ऑल्सो हेल्प इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड टू हेल्प इन डाइजेस्टिंग इट। द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट गो टूगेदर। वेन वी स्मेल समथिंग गुड और ब्रेन सेंड्स अ मैसेज टू आवर माउथ एंड इट स्टार्ट वॉटरिंग। ऑन द अदर हैंड द बैड स्मेल पुट्स अस ऑफ। देखिए क्या कहा गया है, जब किसी चीज़ की आपको बहुत अच्छी खुशबू आती है, जब कुछ अच्छा होता है तो उसको देख आपके मुंह में जो है टेस्ट, आप अपने मन में देखते ही आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। लेकिन जब कुछ और अदर साइड, जब आपका कुछ गंदा होता है, जिसमें से कि ऑन द अदर हैंड बैड स्मेल वाली कोई गंदी चीज़ होती है, तो उसमें क्या करते हो, अपने नाक पे अपने मुँह पे हैंड रख लेते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों में हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं। सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच दे रखा है, स्किन इज द ऑर्गेन फॉर टच। जो हमारा टच का वो सेंस ऑर्गेन है वो कौन सा है? स्किन। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गेन माना जाता है वो किसे माना जाता है बच्चों? स्किन। सबसे लार्ज देखो, नोज है हमारा सेंस ऑर्गेन, ईयर, आईज, टंग एंड स्किन। तो स्किन हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को उसने कवर कर रखा है। स्किन सबसे बड़ा हमारा सेंस ऑर्गेन पार्ट माना जाता है और है। ओके स्टूडेंट्स, टेस्ट टर्न करेंगे। कोल्ड, स्मूथ, रफ, हार्ड एंड सॉफ्ट सेंसेशन का कौन पता लगाता है? हमारी स्किन। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द एंटायर बॉडी। ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय स्वेटिंग
Our sense of touch helps in keeping us safe. We can feel the difference between pricking of needle and the soft touch of flower, baby, and all parts of our body give us a sense of touch as there is skin present everything. देखिए स्टूडेंट्स, हम हर जगह से अपनी बॉडी में हर जगह से फील कर सकते हैं किसी चीज का. क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में स्किन है. ओके, और डिफरेंट एबल पीपल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.